नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन फिटनेस सर्किल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान के टॉप 140 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जो हिंदी का वीडियो आपको मिलेगा थोड़ी देर में, ये वीडियो जो है सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीव विज्ञान जो हर एक एग्जाम्स में अब ज़्यादा पूछी जाने लगी, ठीक है। और जल्दी आपके लिए यूपी पुलिस SI का 5000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें, जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, पूछा गया। तो अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है, ठीक है। 140 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो इनको दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस को, ठीक है, इनकी शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो एक्स बायोलॉजी में किया जाता है बाह ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, जीवाणुओं की खोज की थी लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो दूध जो है बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है, उसका कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, किसकी खोज की थी, इन्होंने खोज की थी चेचक के टीके की। अगला है, एड्स का कारण है, एड्स का कारण है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, चिलगोजा किसमें किससे प्राप्त होता है, चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। अगला है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये गन्ना के प्रयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है, ठीक है। तो पौधों को प्रतिरोपण करके प्याज की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे का फूल भूमि के नीचे पाया जाता है, सॉरी फल, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, मूंगफली का। अगला क्वेश्चन, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं, तो ये साइकस, इसमें बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होता, ठीक है। अगला है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो ये सिकुआ का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग होता है, लौंग क्या है, ठीक है। तो लौंग एक शुष्क पुष्प कलिका है, ठीक है। अगला है, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है, तो बीजों से काफ़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कुनैन किससे प्राप्त होता है, कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना से। अगला है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, ठीक है। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो मटर जो होती है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, मटर की फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे, चीड़ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है, तो बांस क्या है, ठीक है, बांस हमारे यहाँ घास। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है, केवल दिन में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, गैस जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन ले छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है,
ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, ये होती है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, जो फल को पकाता है हार्मोन पूछा गया, ये है इथिलीन, ठीक है, इथिलीन। नेक्स्ट है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था, तो मेंडल ने किया था किस पे, गार्डन जंगली मटर पर, ठीक है। नेक्स्ट है शीशा सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, ये ग्लेना का। नेक्स्ट है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, कहा गया है, ठीक है, तो ये कहा गया है मेंडल के। अनुवांशिकी परिवर्तन होता है किससे होता है, ये होता है क्रोमोसोम से, ठीक है। अगला है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइजोसोम को, ठीक है। प्रतिशत से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, यह है जल। अगला, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है, हरे पौधे हैं। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तो ये है समुद्र, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, ठीक है, 42 का सी सही होगा। नेक्स्ट है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, सौर ऊर्जा में प्रदूषण की कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है, ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है जेट उड़ानों में, ठीक है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है, यह है नीम का वृक्ष, ये धूल को प्रदूषण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट है मधुमक्खियों का पालना कहलाता है, क्या कहते हैं, मधुमक्खियों के पालने को एपिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, यानी हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। विटामिन बी की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। अगला है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया डार्विन के द्वारा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी पाश्चर ने, लुईस पाश्चर। नेक्स्ट है पेंसिलिन की खोज किसने की थी, पेंसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, ये खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। अगला है रक्त समूह का आविष्कारक कौन है, रक्त समूह आविष्कारक कौन है, यह लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती किस जगह की, ये होती तलवे की, ठीक है। अगला है ऊंट का कूबड़ किस ऊतक का बना होता है, ऊंट का कूबड़ होता है किस ऊतक का बना होता है, ये होता है वसामय ऊतक का, ठीक है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है, तो ये होता है वसा ऊतक के कारण, ठीक है। अगला है अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है, ये हैं खुराना, अरविंद खुराना। नेक्स्ट, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या होती 46 यानी 23 जोड़े होती है। नेक्स्ट है बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, ये होता है पिता का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया में क्या हो जाता है, अगर हीमोफीलिया होता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपकी चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा अगर आपको हीमोफीलिया रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द किसने बनाया था, जीन शब्द बनाया था डब्ल्यू एल जोहानसन ने। वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, उसको हरा रंग दिखाई देता है, लाल रंग जो है हरा रंग दिखाई देता है, ठीक है।
चप्पल की आकृति वाला जंतु कौन सा है? तो ये है पैरामीसियम। केंचुओं में कितनी आंखें होती हैं? कोई नेत्र नहीं होता केंचुओं में। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? 67 बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? उसके डंक में होता है। मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? श्वसन क्रिया मछलियों में होती है गिल्स के द्वारा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकलने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि किस लिए मर जाती हैं? उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो यह सर सा स्केल्ड वाइपर। नेक्स्ट है, समुद्री सर्प को कहा जाता है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हाइड्रोफिश। अगला है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। लक्ष्य निर्धारण है तो रडार तंत्र किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चमगादड़ों में, ठीक है। ये परासर्प तरंगे जो छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ते को बनाया था। मैमथ पूर्वज है किसका? तो ये है हाथी का, ठीक है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य में हड्डियां होती 206। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? ऊर्जा प्रदान नहीं करता कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सॉरी विटामिन जो होती है वो ऊर्जा प्रदान नहीं करती, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? ठीक है, पसलियों को होते हैं 12 जोड़े। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़े होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस की। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में, ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से? पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से, ठीक है। पेसमेकर कार्य करता है दिल की धड़कन प्रारंभ करने का, ठीक है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब जो है घट जाता है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो 72 बार 72 बार होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm और 80 mm, ठीक है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? ये होता है 2 से 4 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है 7.4। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है? 93 ये होता है किडनी में, ठीक है। 94 मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसको कहते हैं डायलिसिस। रक्त में लाल रंग निम्न किसके कारण होता है? लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर संबंधित है वंदर से। कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही है? सर्वाग्राही रक्त समूह है AB। और निम्न सर्व रक्त निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है, कौन सा दाता होता है? तो वो होता है ओ।
हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कितनी होती है जो हम सांस छोड़ते हैं, उसमें होती 4%। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कृत्रिम गुर्दा कार्य करता है डायलिसिस के सिद्धांत पर। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है मूत्र में। बच्चों के लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र होता है, पिता के गुणसूत्र से होता है, ठीक है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है वैसेक्टोमी, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, यह मेलानिन, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी कहाँ पे होती है, जांग में होती है, फीमर। और मानव का मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है, मस्तिष्क का भार ये होता है 1350 ग्राम का, ठीक है। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने % रक्त की मात्रा होती है, ये होती है 9%। अगला है, EEG का प्रयोग किस किस गति दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो EEG का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की गति। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हहैं, वाल्व होते हैं 4। सब शहद में मुख्यतः क्या होता है, शहद में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, किसमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान होती है, तो कार्बोहाइड्रेट में होती है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, ये किया था फंक ने, ठीक है। नेक्स्ट है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, यानी गाजर में किस विटामिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये विटामिन ए। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी का कारण है, ये विटामिन ए की कमी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी। नेक्स्ट है, प्रातःकाल धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित कौन सी विटामिन उत्पन्न होती है, तो होती है विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो तेल में प्रचुरता होती है विटामिन डी की, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेराल, ठीक है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, दांतों में पाया जाता है कैल्शियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस कौन सा खनिज आवश्यक है, तो ये है पोटेशियम। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % है, ये 50%। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है हरी पत्तीदार सब्जियों में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड से प्रभावित होता है आंत। अगला, हैजा का क्या कारण है, हैजा जो है जीवाणु के कारण होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए। BCC प्रतिरक्षण क्या होता है, कौन सा होता है, ये होता है TB के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, पीलिया होता है यकृत के संक्रमण के कारण। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, ये होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलता है प्लेग। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ये है प्रोटीन। ठीक है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये होता है विटामिन ए, ये संक्रमण को रोकता है। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन इससे आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हिंदी का वीडियो जो है आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा, तब तक के लिए वीडियो आप एंजॉय करिए, और जिन्होंने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे सारे वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।